वाइब्रेशन मिक्सर मशीन नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस तरह इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक और नई वीडियो आपके पास लेके आए हैं जो बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो है, मुकम्मल देखिएगा, आपको मुकम्मल मालूम आता चले होगी। जो नई व्यूज हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आप घर में टेक्सटाइल खुद किस तरह तैयार कर सकते हैं और चिप्स वाली टाइल किस तरह तैयार की जाती है, ये भी तरीकाकार, और इसमें कलर कितना मिक्स करना है, ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये देखेंगे मेरे पास एक क्यारी है, इसके अंदर मैंने जो है ना वो रेत और बजरी और सीमेंट ये डाला हुआ, और उसके अंदर मैंने चिप्स भी डाली हुई है। जो चिप्स होती है ना, वो चिप्स जो ये टैलेंट जो आपने अभी देखी है पीछे गुजर गई है, इसमें ये चिप्स डाली हुई है, इसके ऊपर इसका रिजल्ट इस तरह आ रहा है। अब रेसो इसका यही है, एक सीमेंट, दो रेत, चार बजरी, कोई भी ले लें। अगर ये मैंने फॉर एग्जाम्पल एक कांडी पकड़ी हुई है, ये कांडी का ही एक सीमेंट, दो रेत, चार बजरी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह ही ये क्यारी पकड़ लें, एक सीमेंट, दो रेत, चार बजरी और डाल लें, और एक इसके अंदर जो है ना चिप्स वाला टैल जो इस तरह बना लें पहले। ठीक है, अभी ये मसाला मैंने डाला, मैं ये घर के लिए बनाने के लिए लोगों को बता रहा हूँ जो घर में खुद तैयार करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये फार्मूला। ठीक है, और ये मुकम्मल इस तरह अभी हमने इसमें डाल दिया, अभी ये कलर डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें कलर डाल लें, इतना इतना सा कलर डाल लें, और अगर कलर डालेंगे, कलर डालने के बाद ये कुछ पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना सारे माल को, बाद में इसके अंदर पानी डालना। ठीक है जी, खुशक करके बाद में इसमें पानी डालना। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल इंटरेस्टेड वीडियो है, इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल मालूम आता हासिल होगी। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें डालनी। अभी ये मैंने इसके अंदर केमिकल डाला जो कि टैल को चमक भी देता है और सफाई भी देता है और हार्ड भी करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, ये टैलें आपने पीछे गुजर गई हैं, देखी हैं, इसी तरह ये हमने इसके अंदर बनाई थी, बना के लगाई है। अभी इसमें पानी डाल दिया मैंने, हसबे मकदार, पहले सबसे थोड़ा पानी डालना, क्योंकि हमने केमिकल डाला हुआ, केमिकल पानी जो है ना वो छोड़ देता खुद ही। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालना, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको आगे जो है वो हम आपको बताते हैं कि इस तरह क्या करना है। अभी अभी देखते जाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं इसको। मिक्स करने के बाद इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मालूम हासिल होगी, मुकम्मल वीडियो देखेगा, क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते, उनके थोड़ी सी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं, सही से मालूम आता है चलो आपके पास। ठीक है, रेसो आपको मैंने बता दिया होगा, अभी ये हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपको बताएंगे इसको फर्मे के अंदर कैसे लगाना। ठीक है, अभी हम मिक्स कर रहे हैं इसको, इस तरह पानी बन जाएगा, ये देखा पानी बन गया ना, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। ठीक है, और ये जो केमिकल डाला ना इसके साथ इसकी इतनी मजबूती हो गया आपकी सोच नहीं है। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर सीमेंट थोड़ा ज़्यादा है और डाल ली, क्योंकि पानी भी थोड़ा ज़्यादा डाला गया हमारे पास, ये रेत भी थोड़ी और डाल ली है मैंने। ठीक है, पानी और मेरे से ज़्यादा डाला गया, क्योंकि केमिकल इसी तरह का वो पानी जो है ना वो खुद ही छोड़ देता सारा, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा हार्ड करने के लिए, यानी कि थोड़ा नरम ज़्यादा हो गया, लेकिन रखना नरम ही है, क्योंकि ये नीचे पहले माल डालना है अपने। एक फर्मा कोई भी हो, फुट बाई फुट हो, या कोई भी हो टेक्सटाइल का कोई भी हो, उसके अंदर आपने आधी इंची जो है ना, आधी आधी इंची पहले नीचे डालना माल को। डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से वाइब्रेशन करना, वो अभी हम आगे देखें, वीडियो देखते जाएँ, वो अभी आपको सारा कुछ इसमें वो हम दिखाते हैं किस तरह हमने इसको माल मिक्स किया होगा। ठीक है, देखते जाइएगा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। ये देखें, अभी माल मिक्स हो गया, इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा पेस्ट बन गया, बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया इसमें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ही इसका कलर जो है ना वो सही से बनेगा, अगर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो कलर नहीं बनेगा। अभी इसको फर्मे को इस तरह पकड़ लेना, और ये एक जो बोतल है तेल की, इसको मैंने भरा हुआ, इसका भी मैं फार्मूला बताता हूँ किस तरह आपने तेल भरना है। चारों तरफ सही तरीके से लगा के इसको उल्टा रख देना, ताकि इसमें इजाफी ऑयल जो लगा होगा ना वो बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह आपने इसको मोब लाल लगाना है। ठीक है, मोब लाल कितना लगाना है, ये बोतल पकड़ी हुई है, आपने एक लीटर मोब लाल डाल, सॉरी, एक लीटर आपने डीजल डाल देना, और जो ऊपर इसका बोतल का ढक्कन होता है ना छोटा सा, उसके चार या पांच जो है ना वो आपने वो डाल देने हैं, मोब लाल डाल देना। ठीक है, मोब लाल बिल्कुल थोड़ा सा डालना, सिर्फ इसकी चिकनाहट बनाने के लिए। ये देखें, अभी आधी आधी इंची इसके अंदर हमने माल डाल दिया।
ठीक है, इस तरह डाल के आपने, अगर आपके पास वाइब्रेशन मिक्सर मशीन नहीं है कोई बात नहीं, आप इस तरह इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, लेकिन मशीन हो जाएगी आपके पास, वाइब्रेशन मशीन होगी तो वो क्या ही बात है, फिर बड़ा ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बाकी मजीद हम आपको मालूमात जो है ना वो व्हाट्सअप पर देते रहेंगे, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लें फ्री हेल्प करेंगे इन शाला तला, हम फ्री तावन करेंगे अल्लाह के फजल के साथ। ये फर्मे वगैरह, ये मिक्सर कलर वगैरह, ये सारा कुछ हमसे मिल जाएगा। अभी ये देखेंगे प्लेन फर्मा, ठीक है, इसके अंदर ही आपने ऐसे ही माल जो ना आधी आधी इंची माल नीचे डाल देना, ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करके। अभी हम आपको इसका ऊपर जो माल डालना वो भी बना के दिखाते हैं। अभी हमने इसको कलर वाला माल सारे फर्मों में डाल के रख दिया। अभी मजीद हम जो है ना आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं इसको, हम जो सादा माल बना के, सादा माल बनाने के बाद हम उसके ऊपर लगा दिखाएंगे आपको किस तरह लगाना, इस तरह की देखो ना आधी आधी ऊंची बस इसके अंदर माल हमने ना डाला। ये ना जी, ये अभी हमने वही सेम वही चीज़ें डाली हैं, सीमेंट रेत बजरी उसी तरह डाला, बस इसके अंदर कलर नहीं डाला, कलर वाला दबड़ा था वो ही हमने इसके अंदर ऐसे ही इसको सादा माल बना लिया। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ये देखना इसके ऊपर हमने लगाएंगे जो है ना वो क्या नाम है, इसके ऊपर लगाएंगे सारा माल डाल देंगे, और केमिकल जो है ना वो कलर वाले माल में डाल देंगे बेहतर है, वरना जो है ना इसमें भी डालना तो ठीक है, आपकी मजबूती आएगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, लेने ये माल तैयार हो गया है। अभी हम इसको अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर डालेंगे, बाकी ऊपर ऊपर माल सारा कलर वाला माल, इसलिए हम बनाते हैं कलर का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है ना भैया, इसलिए हम इसको ना कलर वाला माल नीचे डाल लेते हैं, ठीक है, बाद में इसके ऊपर दूसरा माल डाल देते हैं। अभी इस तरह आपने सादा माल बनाना, बनाने के बाद आपने इसको इसके ऊपर लगा देना इस तरह जो आप जैसे हम लगा रहे हैं, ठीक है, बाद में इसको वाइब्रेशन अच्छे तरीके से आपने करनी है, ठीक है, ये देखो ये वाइब्रेशन कर दें, वाइब्रेशन की निशानी ये है तो ऊपर पानी आ जाता सारा, ये देखो आ रहा ना पानी, बबल देखो बबल ऊपर आ रहे हैं, सारी गैस इसके अंदर बाहर निकल रही है, ठीक है, ये कमाल है जी कमाल, ये वाइब्रेशन टेबल हो जाए तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। इसी तरह आपने माल मिक्स कर देना है, इसी तरह सारे फर्मों में डाल देना है, सारे फर्मों में डालते जाना और स्टेप टाइल तैयार होती जानी है, ठीक है जी जनाब। आगे ना देखे जाते देखे जाए मुकम्मल वीडियो देखें, लो जी टैक्टाइल तैयार होगी, इसी तरह तैयार कर लेनी है, बाकी इसको अगले दिन आपने निकाल देना, खुशक हो जाएगी खुद ही, इसके अगले दिन आपने जब निकालेंगे इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त टैल निकलेगी खूबसूरत, जो सबसे पहले मैंने शुरू में तस्वीरें लगाई हैं सेम इसी तरह की टैलें बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत निकलेंगी। वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है जी, और मजीद हमारे नीचे जो आप लाइक कर दीजिए और साथ कमेंट भेज दीजिएगा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।